तो अलग अलग सी बातें हैं सबके लिए। कभी कभी आपकी ग्रह स्थिति कुछ और होती है, आयु और होती है, किसी बच्चे का कार्य कुछ रुका है तो बात और होगी, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है और होगी, नौकरी कर रहा है और होगी, बिजनेस कर रहा है और होगी। पर फिर भी एक बात को आप जान लीजिए कि तंत्र प्रेम का मार्ग है, तंत्र शुद्धता का मार्ग है। तंत्र में अशुद्ध है ही नहीं कोई, तंत्र औरत में मर्द में भेद नहीं मानता, औरत के बिना अधूरा महसूस करता है, औरत मर्द के बिना अधूरा महसूस करती है। और आप तंत्र दोनों की शक्ति को शिव शक्ति के रूप में उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। तंत्र ने जितनी नारी को रिस्पेक्ट दी है, तंत्र ने जितना नारी को मान सम्मान दिया है, उतना शायद किसी और ने जहाँ कहीं दिया हो। तंत्र ने साधिका को सम्मान दिया है और कहीं कहीं पुरुष से ज़्यादा अधिकार दिए हैं उसको साधना में, क्योंकि औरत नारी माँ जितना समर्पित हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता है। तो जैसे दोस्तों ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, आपको लगे कि कुछ रुक गया आपका, कुछ थम गया, तो छोटी बच्ची में माँ की तलाश करें, अपनी माँ में उस शक्ति की तलाश करें, अपनी औरत में एक अच्छे साथी की और अच्छी शक्ति की तलाश करें। आप देखेंगे कि आपको एक अलग से ऊर्जा आने लगी है। कहीं भी किसी बच्ची को देखें, औरत को देखें, देखें उसमें एक ममता को ध्यान से देखें, उसमें माँ की शक्ति को एक पहचानने की कोशिश करें। कैसे एक छोटा बच्चा उंगली पकड़ के माँ की चल रहा है, अचानक उंगली छुड़वाई, आगे गाड़ी आ रही थी, बच्चा उसमें जाने लगा, तो औरत ने खुद आगे लेट करके बच्चे को बचाव कर लिया। ऐसा है माँ का स्वरूप, माँ खुद कुर्बान हो जाएगी। ऐसी माँ की भावना को देखें, जब आपको ऐसा लगने लगे एक माँ इतनी शक्तिशाली है बच्चे के लिए करती है, तो फिर चले जाएं उस जगत जननी के पास, उसके चरणों में पहुंच जाएं, तो आपके सभी जो स्तंभित कार्य हैं उनको रोक देगी, स्तंभन कर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी जिनसे वो ऊर्जा मल्टीप्लाई हुई, जिससे ऊर्जा कई गुना बढ़ जाए। आप देखते हैं कभी इलेक्ट्रॉनिक पावर कम आ रही होती है तो उसमें कितना कुछ लगाते हैं कि जो ऊर्जा बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। इसी तरह जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है उसको बढ़ाने के भी अनेक स्तोत्र हैं। पर दूसरी बात एक याद रखें कि जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, अभी लाइट बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा, लाइट बंद हो गई अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, हमें दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही जब उन शक्तियों का प्रकाश होता है हमारे अंतर में बाहर में, तो ऐसे स्तंभन जैसे कार्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकाश में कहीं टिक नहीं पाती नकारात्मक ऊर्जा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना। और साथ में एक मंत्र माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र दे रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, तो 700 ही सिद्ध मंत्र हैं। वो हमें कैसे दिए मार्कंडेय ऋषि जी ने, आप सोचिए, कहीं वो वेदों से लिए गए, कहीं उपनिषदों से लिए गए, तो मार्कंडेय ऋषि ने वो 700 श्लोक इकट्ठे करके दिए। और 700 मंत्रों को कहीं किसी ऋषि ने सिद्ध किया, किसी मुनि ने सिद्ध किया, उनका अनुभव आ गया, और उसमें ही एक श्लोक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्य मस्मद्वैरी विनाशनम्।
सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम्।